हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आपको कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्या आपको अपनी पोजीशन होल्ड रखनी है या नहीं, और आने वाले टाइम में क्या कुछ चीज़ के सपोर्ट और टारगेट रहने वाले, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो देखो, बात करते हैं कि कैसा मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि भाई पहला टारगेट हमारा 2.75 का रहने वाला है, जो टारगेट हिट करके मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि भाई देखो, जो ये कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी में भाई रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको पता ही है। और काम क्या करते कंपनी जो फाइनेंस का होता है ना, NBFC नॉन बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। अब देखो, प्रेशर थोड़ा सा किस चीज़ का देखने को मिलेगा, बजट का स्टॉक पे। वैसे कंपनी जो फंडामेंटल हैं, जैसे स्मॉल कैप है, ठीक है, फंडामेंटल ज़्यादा ख़राब नहीं है, और यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट हल्के से कम आए थे, ठीक है, हल्के से मतलब ख़राब आए थे, पहले जैसे आते हैं ना उससे थोड़े से ख़राब आए थे इनके Q4 के रिजल्ट, ठीक है। ये डिटेल जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब क्या करना चाहिए आपको, जिसने देखो यहाँ पे इन हाई प्राइस पे बाई किया, उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं? तो देखो, मैं आपको बता दूँ, आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो भाई अगर ये 2.75 का जो कि ये स्पोर्ट है इसका ब्रेकडाउन कर देती है, तो भाई समझ लो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो। बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो इस स्टॉक में, आपकी जितने भी मतलब लॉस हो रहा होगा वो कवर हो जाएगा। और आप चाहते हो कि भाई फ्रेश बाइंग करें या फिर एवरेजिंग करें, तो क्या करना चाहिए, कितने पे करना चाहिए एवरेजिंग? देखो, एवरेजिंग का मूवमेंट इस लेवल में था, एवरेजिंग का मूवमेंट अगर ये फिर से इसी जोन में आता है 2.30 से 2.10 तक ये आता है, तो भाई आप एवरेजिंग कर सकते हो, बाकी आपको एवरेजिंग अभी नहीं करनी चाहिए। अगर देखो, सपोर्ट तो ले रहा है ये यहाँ पे 2.75 पे, बट बार बार आ रहा है नीचे, क्योंकि भाई अभी बजट को लेके जैसे ये होते ना, क्या होगा, बहुत सी कई बार ऐसा होता है कि हमें भी टेंशन हो जाती किसी चीज़ की, और वेट रहता है हाई, पता नहीं क्या होगा। वही अब मार्केट भी रिएक्शन देगा, ये स्टॉक भी रिएक्शन देगा बजट पे, क्या होगा, क्या अनाउंसमेंट होंगी, कौन सी सेक्टर के लिए पॉजिटिव अनाउंसमेंट होंगी, कौन से सेक्टर के लिए नेगेटिव अनाउंसमेंट होगी, तो उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे और मार्केट पे देखने को मिलेगा। बाकी जिसने बाई कर रखा है हाई प्राइस पे, भाई लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है तो आप होल्ड करके रख सकते हो। मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताया था कि इसका जो सपोर्ट है 2.10 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहीं से ही मार्केट ने 2 टाइम सपोर्ट लिया। अगर डाउन आएगी ना तो ये यहीं पे सपोर्ट ज़रूर लेगी, और यहाँ पे जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा जो कि है 3.12 का, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले भी रिस्टेंस का काम हुआ है, ठीक है, उसके इसके ब्रेकआउट के बाद फिर भाई ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी अभी इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे। अगर देखो रिजल्ट अच्छा आता ना, इस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलता जो ये दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, जिस बेस से भी थोड़ी सी कम ही तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। कंपनी देखो टाइम टू टाइम क्वार्टरली रिजल्ट भी दे रही है, फंडामेंटल भी ठीक हैं, तो आप होल्ड करके रख सकते हो। बाकी आप अपनी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है।